त्योहारी सीजन के मद्देनजर आरपीएफ पुलिस ने ई रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दो टिकट दलालों को पकड़ा गया जो फर्जी आईडी बनाकर रेलवे टिकट तैयार कर रहे थे। कोरबा आरपीएफ प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छुरी कला निवासी रमेश कुमार और टीपी नगर निवासी अंबिका प्रजापति नामक युवकों के सेंटर में दबिश दी गई। उनके पास से 26,000 कीमती रेलवे ई टिकट बरामद हुए हैं। पकड़े गए एजेंट फर्जी आईडी बनाकर पासवर्ड तैयार किया करते थे। जिले के अलग अलग क्षेत्र में साइबर कैफे और फोटो कॉपियर्स के आड़ में ई रेलवे टिकट का गोरख धंधा चल रहा था। इस बात का खुलासा आरपीएफ की छापामार कार्रवाई से हुई। आरपीएफ की टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से 26,000 रुपए कीमत के ई टिकट के अलावा नकदी रकम बरामद की है। वहीं टिकट बनाने के लिए रखे गए कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। दीपावली के करीब आते ही लोग अपने ग्राम की ओर रुख करने लगे हैं। इसके लिए अधिकांश यात्री ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए फर्जी टिकट की बिक्री की जाती है। इसे गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट डी शुक्ला ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। उनके निर्देश पर कोरबा के 9 पदस्थ आरपीएफ प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मुख्य गिरोह का जाल फैला दिया था। मुखबिर ने सूचना दी कि सूरी कलर किशनजी फोटोकॉपियर्स के अलावा टीपी नगर में एक होटल के समीप स्थित राहुल साइबर कैफे में ई टिकट का गोरख धंधा किया जा रहा है, और जब दबिश दी गई तो इस दौरान उनके कब्जे से फर्जी ई टिकट तैयार पाया गया, जिनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे बिलासपुर रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। हमारे श्री ऋषि शुक्ला साहब सीनियर कमांडेंट साहब के आदेश था कि त्योहारी सीजन है, ऑनलाइन टिकटिंग का बहुत ज्यादा अवैध कारोबार हो रहा है, अपने एरिया में कंट्रोल करें। तो उसी के तहत हम सूचना एकत्रित किए कि कौन कौन यहाँ अवैध रूप से टिकट बनाता है, रेगुलर पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन। तो हमने अपने मुखबिर लगाए तो दो जगह से हमें सूचना प्राप्त हुआ कि दो एजेंट्स हैं जो टिकट बना रहे हैं अवैध रूप से। तो एक छर्री कला में एक रेड डाली तो एक अवैध रूप से टिकट बनाते हुए पकड़ा, और एक यहाँ टीपी नगर के क्षेत्र में एक अवैध रूप से टिकट बनाने वाले को हम पकड़े हैं उसमें, और जब उस पर केस रजिस्टर करके जब्ती किया गया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें जब्ती क्या क्या बनाए हैं अपन, और ये कितने टिकट मिले हैं अपने को? अभी मौके पे हमें करीब 25,000 के टिकट मिले हैं, और हम पिछला देख रहे हैं कब से ये लोग अवैध धंधे में लगे हुए हैं, और अगर कोई और भी कंसर्न इनसे निकलेगा तो हम वहाँ भी इनकी जांच करेंगे। अभी हम डिटेल IRCTC को भेजेंगे, वहाँ से इन दोनों का डिटेल मंगाएंगे। बरामद क्या क्या है सर उनसे? बरामद में है उनका जो यूज कर रहे थे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और कुछ कैश भी है उनका जो मौके पे जो पाया गया है। कितने कैश होंगे लगभग? कैश एक से कोई 1,000 के लमसम मिला था, दूसरे पे इतना ही कोई 1,500-2,000 के आसपास है। जो टिकट जो मिले हैं सर, उसकी कीमत क्या होगी लगभग? टोटल कीमत अभी 26,000 रुपए लमसम उसकी है जो निकाली गई है। अभी कुछ लाइव टिकट भी हैं जो कुछ दिनों में यात्रा होने वाली है, उनको हम लेटर दे के बंद करवा देंगे। सर, ये पूछताछ में क्या बताया, मतलब क्या पासवर्ड बनाते थे, किसके नाम से चलता था, क्या बताया उन्होंने? ये पूछताछ में तो अलग अलग नंबर्स पे उन्होंने कई आईडी बना रखी है, अलग अलग आधार कार्ड, किसी का आधार कार्ड लगा दिया, आईडी बना लिया, और नंबर किसी का भी लगा दिया उसमें। तो अवैध रूप से आईडी बनाकर ये लोग उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे थे, और उन्हीं को हम ब्लॉक भी करवा देंगे पत्राचार के द्वारा। जी सर, जो पकड़े गए उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम रमेश कुमार है, एक अंबिका प्रजापति है। और रमेश कुमार है छर्री कला का, और अंबिका प्रजापति यहाँ टीपी नगर में जिसका शॉप चलाता था। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, कंप्यूटर, टिकट और नकदी रकम बरामद की गई है। इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कोरबा छत्तीसगढ़ से मनोज यादव की रिपोर्ट।